हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतना ज़्यादा इंतज़ार था आज के दिन का। तो देखिए, आज जो बोर्ड ऑफिस में जो मीटिंग हुई है उसका थोड़ा सा जो अंश हमें पता चला है वो ये पता चला है कि अभी कुछ भी कहने के हालत में नहीं है सीजी बोर्ड। जो हमारा शिक्षा विभाग है वो अभी कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। देखिए, मैं गोल गोल बातें नहीं घुमाऊंगी, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली हर चीज़ बताते आई हूँ। इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि देखिए, ये जो है 12 को तय करेगा मैक्सिमम, यानी कि हमारा जो सीजी बोर्ड है वो आपको पहले से कुछ भी नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले ही बात क्लियर कट बताएंगे, यानी कि वो अभी भी सस्पेंस में रखे हुए, क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। क्योंकि जैसे ही कोरोना का संक्रमण अचानक से बढ़ गया, हालांकि उन्होंने सब तैयारी कर रखी है, बट फिर भी वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए, कि एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए, कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन करना चाहिए। इन्होंने ऑनलाइन को तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है कि ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के पीछे लगे हुए हैं, या तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेंगे या तो रद्द करके प्रमोशन करेंगे। ये बात खुल के बात सामने आ रही है। और ये जो है, ये जो भी है, ये आपको 12 या 13 अप्रैल को ही पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे वीके गोयल जो सचिव जी हैं उन्होंने कहा है कि 12 या 13 को ही निर्णय लिया जाएगा। तो आपके पास पर्याप्त समय है, इसमें आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऐसा उनका कहना है। यानी कि हमारे सीजी बोर्ड का कहना है कि आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ाई को बिल्कुल मत बंद करिए, और आपको जो सही फैसला है वो 12 या 13 को क्लियर कट होगा। तो तब तक मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि एग्ज़ाम का तो एक प्रेशर होता ही है, साथ में कोरोना का भी एक टेंशन, जो एक डर फैला हुआ है, साथ ही साथ ये कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, किस मोड में होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक टेंशन का सबब बना हुआ है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कितने ज़्यादा प्रेशर में हो। तो आप बस ये प्रेशर को अपने सर पे हावी ना होने दो, आप बस ये जान के रखो जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, टेंशन ना ले और पढ़ाई करते रहे, बस आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जो भी होगा रिजल्ट आपके फेवर में होगा, इतना आप मान के रहिए, इतना आपको मैं श्योरिटी देती हूँ। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा या एग्ज़ाम को आपके प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के इवैल्यूएशन के बेसिस पे लिया जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपके हित में होगा, इतना मुझे यकीन है। इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी न्यूज़ है वो तो हम आप तक पहुँचाते ही रहेंगे, लेकिन आप पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने अपने वेबसाइट पर सारी चीज़ें आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन, सब कुछ अवेलेबल करवा के रखे हैं। आपको बस क्या करना है, गूगल में जाकर अपनाकूलस्कूल.com ढूंढना है, ठीक है, www.अपनाकूलस्कूल.com ढूंढना है। तो आप इस पेज पे आएंगे और इस पेज पे आप मेन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए, और इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और ट्विटर पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पे लगातार कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं।